The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is the risk factors of pancreatitis? Kya hota hai pancreatitis aur पैनक्रियाटाइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये आज हम जानेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी। सो देखिए, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पैनक्रियाज के लिए मायने रखते हैं। और सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है कि पैनक्रियाज करता क्या है। पैनक्रियाज आपकी ग्रंथि है, ये खाना पचाने की ग्रंथि है जो आपके पेट के साइड में होती है, लिवर और पेट के बीच में होती है, ऐसा पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज करता क्या है, ये फैट चर्बी को गलाने के लिए, चर्बी को मेटाबोलाइज करने के लिए लाइपेज अमाइलेज नामक एंजाइम बनाता है। तो पैनक्रियाज लाइपेज अमाइलेज नाम के एंजाइम बनाता है और साथ में पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ ये भी होते हैं आइसलेट्स, वो भी क्या करते हैं, वो बनाते हैं इंसुलिन। सो पैनक्रियाज इंसुलिन भी बनाते हैं बीटा सेल्स से और अमाइलेज लाइपेज भी बनाते हैं, ठीक। तो डायबिटीज भी होती है पैनक्रियाज की दिक्कत के वजह से और पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है ना। पैनक्रियाटाइटिस किसी भी चीज के बारे में आइटिस आ जाता है, पैनक्रियाटाइटिस राइट, या इसोफेजाइटिस, फेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस। तो आइटिस जहां आ जाता है वहां इन्फ्लामेशन होता है। सो आइटिस यानी इन्फ्लामेशन और पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन, मतलब के किसी ने जानबूझ के पैनक्रियास में खुजली करी है किसी ने जानबूझ के या आपने खुद से पैनक्रियास में दिक्कत कर दी है। अब पैनक्रियास में दिक्कत का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं कि पैनक्रियास में दिक्कत का मतलब है कि या तो उसमें सूजन हो रही है, या तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, या तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। ऐसी पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसके अंदर पानी भर रहा है, गांठ बन रही है, बहुत कुछ हो सकता है पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन के चलते। और वो फिर आपके शुगर लेवल्स में गड़बड़ी आ सकती है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपको पैनक्रियाज के चलते, पैनक्रियाटाइटिस के चलते हो सकते हैं। अब इसमें एक्यूट क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस होता है, पैनक्रियाटाइटिस के बारे में एक टोटली अलग वीडियो ऑलरेडी है। तो सिम्टम्स में आपको पेट में दर्द होने लगता है, अब्डोमिनल पेन, फीवर, रैपिड पल्स, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आना, पेट में दर्द, दबाते ही पेट में दर्द होना, पीठ में सीधा पीछे की तरफ पेट में दर्द जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। सो अल्टीमेट सवाल है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या कॉज है पैनक्रियाटाइटिस का, किस चीज़ ने पैनक्रियाटाइटिस कॉज किया, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। सो पैनक्रियाटाइटिस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस होगा तो क्यों होगा, सवाल यही है। अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस होगा तो क्यों होगा अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस होगा तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दारू, अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल रिसर्च या ये जग जाहिर भी है, इजी है, बहुत सिंपल फाइंडिंग है हमारी, अल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस इज द नंबर वन रीजन ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। हैवी अल्कोहल यूजर्स, जो लोग 4 से 5 ड्रिंक रोज की पीते हैं, वो हाई रिस्क पे है, इंक्रीज रिस्क पे है, उनको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पैनक्रियाटाइटिस होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। पहला सबसे बड़ा रिस्क है दारू, जो दारू पीते हैं वो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, उनको आगे डायबिटीज हो सकता है, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, मोटे हो सकते हैं, फैट जमा हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, लिवर में नैश हो सकता है, राइट, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, सिरोसिस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो बीमारियां तो छोड़ दीजिए, बात समझ रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस की। सो अल्कोहल दारू नहीं पीना चाहिए, पीते भी हैं तो एक पैग से ज्यादा नहीं, एक पैग होता है 30 ml का, 30 या 40 ml का, डिपेंडिंग अपॉन 50% या 40% की अल्कोहल है, लिकर है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, उसके बारे में हमारा यूट्यूब पे वीडियो है अल्कोहल सेफ लिमिट का, आप जाके देख सकते हैं, अल्कोहल सेफ लिमिट बाय डॉक्टर एजुकेशन। अल्कोहल बंद करो। सेकेंड इज योर स्मोकिंग, द सेकेंड बिग रिस्क फॉर पैनक्रियाटाइटिस इज योर स्मोकिंग। स्मोकर्स आर ऑन एन एवरेज 3 times
मोर लाइकली टू डेवलप पैनक्रियाटाइटिस एंड क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस. उनमें पैनक्रियाटाइटिस लंबा चलता है, जीवन भर चल सकता है, दिमाग का दही कर सकता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है. और नॉन स्मोकर से कंपेयर किया तो 3 गुना ज़्यादा रिस्क है आपके. और अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग बंद कर देने से आपका रिस्क सीधा आधा हो जाता है, यानी डेढ़ हो जाएगा, 3 की जगह 1.5 हो जाएगा. तो क्रोनिक स्मोकर्स को सबसे ज़्यादा रिस्क है, जो कभी कभार पीते हैं उनको भी रिस्क है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन है तो है. तो रिस्क ऑफ सेकेंड रिस्क इज योर स्मोकिंग. द थर्ड रिस्क ऑफ पैनक्रियाटाइटिस का सबसे बड़ा है मोटापा, ओबेसिटी. राइट, यू आर मोर लाइकली टू गेट पैनक्रियाटाइटिस इफ यू आर ओबेस. जितना ज्यादा चर्बी, मतलब आप ज्यादा चर्बी खाते हैं, मतलब आप ज्यादा फैट खाते हैं, मतलब आपके पैनक्रियाज से ज्यादा काम करवाते हैं, जिस गाड़ी से ज्यादा चलवाओगे वो ज्यादा जल्दी खराब होगी, उतनी जल्दी पैनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस होते हैं. प्लस जो मोटापा जमा होता है वो खुद से भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, पैनक्रियाज का काम बढ़ाता है और पैनक्रियाज में दिक्कत करता है. सो मोटापा पैनक्रियाटाइटिस करता है. फिर दारू, सिगरेट, मोटापा, उसके बाद क्या? अब सिगरेट, बीड़ी में तंबाकू हुक्का सब आता है, ठीक है, अपना वो मत लगाना दिमाग. मैं तो बीड़ी पीता हूँ सर, मैं सेफ हूँ. नहीं, तुम सेफ नहीं हो. तंबाकू खाने वाले भी सेफ नहीं हो, हुक्का पीने वाले भी सेफ नहीं हो. फिर फोर्थ कारण है इसका फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके परिवार में, अगर आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, चाय ताया, किसी को भी आसपास के किसी परिवार में किसी को पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, मतलब आपको पैनक्रियाटाइटिस का चांसेस ज्यादा है. मतलब क्या? मतलब इसमें जीन्स का, जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो जेनेटिक्स का रोल आता है पैनक्रियाज में, ये बात आपको और समझनी है. जीन्स का रोल है, जेनेटिक्स का आपके रोल है पैनक्रियाज के इस लेने देने में. तो जीन्स इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. अगर आपके ये एक फैक्टर कि फैमिली में भी है, हिस्ट्री भी है, और मैं सिगरेट भी पीता हूँ, और मैं दारू भी पीता हूँ, और मैं मोटा भी हूँ, तो फिर भाई साहब और क्या है, और क्या चाहिए आपको? फिर आप अपने डायग्नोसिस में लिखवा लो, सीधा सीधे लिखवा लो कि पैनक्रियाटाइटिस तो होना ही है कि नहीं? प्यार तो होना ही था वैसे ही ये भी होना ही था, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस के. वैसे ये सिर्फ इतने कारण नहीं है, ये एक रिस्क फैक्टर्स, मेन रिस्क फैक्टर्स हो. इसके अलावा कभी आप गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, वो एक और बड़ा कारण है. गॉल ब्लैडर में अगर आपके स्टोन है वो भी पैनक्रियाटाइटिस कर सकता है. अगर आपको कोई पेट में इन्फेक्शन हो जाए या फिर पेट में चोट लग जाए वो भी पैनक्रियाटाइटिस अल्टीमेटली कर सकता है. बहुत हाई अगर आपके ट्राइग्लिसराइड जाते हैं 500 के ऊपर आपके अगर ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो वो हाई ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड के अंदर पैनक्रियाटाइटिस कर सकते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया. और हाई कैल्शियम लेवल्स, हाइपर कैल्शियमिया, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव, तब वो कहते हैं ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से, हाइपर कैल्शियमिया से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, और कुछ दवाइयों से पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एब्डोमिनल सर्जरी, पेट में ऑपरेशन, इन सब चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस में पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है. सो पैनक्रियाटाइटिस के ये सारे कारण है भाई साहब. उसके बाद पैनक्रियाज में कैंसर हो जाए तो भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, और कई बार ERCP एंड ऑल प्रोसीजर्स हैं उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पैनक्रियाटाइटिस. तो पैनक्रियाटाइटिस बहुत सारी चीज़ों से होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पैनक्रियाज के कारण नहीं पता चलता. आपके केस में रिस्क फैक्टर नहीं है, पता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके केस में कारण नहीं पता. कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ये भी होता है कि कुछ कर लिए लेकिन पैनक्रियाटाइटिस का कारण नहीं पता चला. तो पैनक्रियाटाइटिस से बचिए, पैनक्रियाटाइटिस खतरनाक चीज़ है. अगर वो हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन में आपके पूरे पेट में, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है. आपको पैनक्रियाटाइटिस में सूडोसिस्ट यानी कि गांठ बन सकती है, किडनी फेल हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस लाता है जो बॉडी के फैट से बॉडी के लंग्स को अफेक्ट करने लगते हैं. ऑक्सीजन लेवल डेंजरसली लो हो सकते हैं, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, जान जा सकती है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से. और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस आपके सर में दर्द कर सकता है, और बार बार पैनक्रियाटाइटिस होने से पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है. सर में दर्द का मतलब है ऐसी तैसी हो जाना, बार बार दिक्कत है ना, कुछ खा पी नहीं पा रहे, कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि उसका इलाज ही होता है कुछ नहीं खाना. जी हाँ, ऐसी बीमारी जिसका इलाज है कुछ नहीं खाना, क्या इलाज है उसके बारे में फिर से बात करेंगे. लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको जो समझना है कि पैनक्रियाटाइटिस के लिए आपको अपनी जीवन शैली सुधारनी होगी, सही मात्रा में खाना खाना होगा, और फैट की मात्रा कम करनी होगी, तभी तो मोटापा सही कम होगा. सो ये हुई बातचीत रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज ऑफ पैनक्रियाटाइटिस.
आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो फिर ये वीडियो फिर से देख लीजिए, अगर आप नहीं समझा तो फिर से देख लीजिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर एंड कम अप विद अ गुड टॉपिक. ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो.